अल्लाह ने उनको हर दिस से पाकू पाकीज़ा रखा है। गुनाह तो नहीं बोलते हैं यहाँ पर, गुनाह नहीं है, बल्कि उन पर कितना भी जुल्म ढाया जाए मगर वो कभी बददुआ नहीं, और जिसके लिए जो कह देंगे वो हो जाएगा। और अगर वो हम अदादारों के लिए अल्लाह से शिफात करेंगे तो अल्लाह उनकी शिफात को रद्द नहीं करेगा। अगर हम उन चीज़ों की मारिफत हासिल करते हुए उसको अंजाम देंगे तो उसका कई गुना अज्र है। मुहर्रम का महीना, आज़ादारी का महीना, रसूल अल्लाह के बहुत ही महबूब नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत इस महीने में हुई है। अज़ा का फर्श हर आइम्मा ने बिछाया है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के वक्त 40 दिन जिस पत्थर को उठाया जाता था उसके नीचे से खून भरा हुआ था। फरिश्तों ने काले लिबास पहने। ये वो अज़ा के दिन है कि हम जिस वक्त मौलाए कायनात की शहादत हुई है और जब पहला खुतबा इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने खुतबे में दिया है तो इमाम काले लिबास में थे, काला अमामा था, यानी इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अपने बाबा की आज़ादारी की। लोग आज़ादारी पर इतराज़ करते हैं मगर हम जो करते हैं वो आइम्मा अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हैं। यकीनन जाफर तैयार अलैहिस्सलाम की जब शहादत हुई है जंगे मौता में तो अस्मा बिनत उमैस को रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया था कि आप काला लिबास पहनिए। जिस वक्त इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने और मैं बनी हाशिम के काला लिबास पहन के उनका गम मनाया है तो हम अज़ा का फर्श बिछाते हैं तो इन काले लिबास की अहमियत है। मजलिस अज़ा में एक अहम जिम्मेदारी है इंसान की कि वो जब मजलिस हुसैन में आए तो काला लिबास पहन कर आए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस में पैसा खर्च करना, एक दिरहम खर्च करना हज़ारों लाखों दिरहम मिल जाएगा क्योंकि मेरा इमाम बादशाहों का बादशाह है।
अल्लाह ने कह दिया हुकूमत मेरी, मगर जो हुसैन कहेगा मैं उससे राजी। तो हम किसी चीज़ में भी, अगर हमारे पास माह मुहर्रम का काला लिबास नहीं, हम काला लिबास खरीदें, ये नहीं सोचें कि हम कैसे काला लिबास कैसे पहनेंगे। काला हो मगर काला होना चाहिए है, उसमें ऐसा ना हो कि वो खुशी का इजहार करवा। यानी हमारे लिए ये चांद देखना इस तरह से होना चाहिए कि हम पूरी तरह मातमी हो गए हैं। काला लिबास हमारे पास, अगर दो प्लेन काले लिबास होंगे तो पूरा मुहर्रम गुजर जाता है। क्योंकि जनाब इस वक्त रिहाई मिली है जनाब ज़ैनब ने, यही कहा था कि हमारे लिए काले लिबास का इंतजाम करो। 7 दिन यजीद के महल में अज़ा का फर्श बिछाए, मगर काला फर्श था, सारा पर्दे थे सब काले और बीवियों के लिबास काले। राम में हमको मजलिस में ऐसे आना है जहाँ जगह मिली बैठ जाए, मगर जब आगे जगह है तो पीछे बैठने का हक नहीं। ऐसी नमाज़ें सब, जब हम नमाज जमात अदा करते हैं तो अगर पहली लाइन में जगह है तो दूसरी में नहीं बैठ सकते। तो जहाँ हमको जगह मिले, अगर हमको हम एहतराम जानेंगे तो हम कोशिश करेंगे हम वक्त पर मजलिस पर आए, और फिर हम ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ जाकिर है। अब हम चाहे जितने बड़े इंजीनियर हों, डॉक्टर हों, प्राइम मिनिस्टर हों, अपनी हुकूमत के सदर हों, मगर ये तकब्बुर करके ना आए कि अरे जाकिर कुर्सी पे बैठे, हम ज़मीन पर बैठे हैं। जाकिर जाकिर अहले बैत का जो मर्तबा है कि अल्लाह कहता है फस्कुरूनी अस्कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। तो अल्लाह तो जिक्र करेगा हम मोमिनों का अर्श पर फरिश्तों के दरमियान। हम यहाँ पर जो अल्लाह का जिक्र करते हैं, अम्मा का जिक्र करते हैं, ये मजलिस हुसैनी को शरफ मिला है कि इसमें अल्लाह का जिक्र भी होता है, रसूल का भी होता है, और अम्मा अलैहिस्सलाम का भी होता है। यकीनन हम अगर इसका एहतराम जानेंगे तो हम तमाम कामों को पीछे रख कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फर्श अदा पर आमादा होंगे और तेज़ी से कदम बढ़ाएंगे कि हमको जाकर मजलिस सुनना है। एहतराम मजलिस की एक ये जिम्मेदारी आयद है कि जो जाकिर पढ़ रहा है उसको गौर से सुने, उसको सुनने के बाद इस कान से सुना उस कान से उड़ा दिया। आराम से लोग कहते हैं छोड़ो मुल्लानी का काम है बोलना, हमारा काम है इधर से सुनो उधर से निकाल दो। बदनसीब हैं वो लोग कि जिनको फर्श अज़ा मिला मगर उसकी कदर नहीं की और उसका कोई अज्र नहीं लेके गए। हर एक का इंसान का अमल जैसा होगा वैसी जजा होगी। हम नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, आप 100 मरतबा कह दीजिए आपकी नमाज नहीं होगी जब तक आप मुसल्ले पर नहीं जाएंगे। जब तक मुसल्ले पर नहीं बैठेंगे आपकी नमाज नहीं होगी। तो जब तक कि हम मजलिस का हक अदा नहीं करेंगे हमारी मजलिस इमाम हुसैन की बारगाह में तो कबूल नहीं होगी। और खुसूसन आज की जो मजलिस है, रसूलल्लाह को जितने इमाम हुसैन प्यारे थे उतना ही इमाम हुसैन को अली अकबर प्यारे। खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुछ वसीयतें की थी आशूर के दिन। यानी हम ये देखें कि ये वो मजलिस है कि अगर हम कोई हाजत लाए हैं तो कहें मौला आज अली अकबर की मजलिस से मेरी ये हाजत मेरे घर जाने से पहले पड़ी, क्योंकि खुद आइमा अलैहिस्सलाम का भी और उलमाए दीन ने भी कहा है अगर किसी की कोई बड़ी हाजत है और वो पूरी नहीं होती है तो जब अली अकबर की मजलिस हो तो उसमें ये कहें कि मौला
मेरा ये काम हो जाएगा, मैं अली अकबर की मजलिस रखूंगी, वो काम आपका हो जाएगा। अगर कोई बीमार है, शिफा नहीं हो रही है, तो ये मन्नत कर ले कि मैं अली अकबर की मजलिस करूं, क्योंकि ये वो अजीम कुर्बानी है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आशूर के दिन अजान सुबह से पहले यानी नमाज शब के जनाब अली अकबर को आवाज़ दी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक को आवाज़ देते थे, तमाम बनी हाशिम खड़े हो जाते, सारे बनी हाशिम खड़े। इमाम कहते थे नहीं, मुझे अली अकबर से बात, खेमे से बाहर लिए, एक टीले पर लेकर गए, अली अकबर को देखा, परवरदिगार की तरफ निगाहें बुलंद की, चेहरा आसमान की तरफ किया, परवरदिगार मैं अली अकबर को, मैं वो बेहतरीन हीरो को लाया हूँ, हीरो में से ये हीरा मैं लेकर आया हूँ तेरे इस्लाम को बचाने के लिए, मैं अली अकबर कुर्बान करूंगा, ये वो मेरा बेटा है जो रफ्तार गुफ्तार में सूरत और शक्ल में मेरे नाना की, जब भी मुझे मेरे नाना की याद आती थी मैं अली अकबर का चेहरा देखकर तस्कीन पा लेता, मेरी इस कुर्बानी को कबूल करना, मेरे नाना के दीन को बाकी रखना। रसूल अल्लाह की हदीस, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ, यानी यहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीदियों को बता दिया अली अकबर को लाकर कि जब ये मैदान जिहाद में अली अकबर जाएंगे तो यजीदियों में जो रसूल को जानते थे, देखा था, शक्ल शुमाइल से वाकिफ थे, वो कहेंगे तो रसूल जैसा है, तो यजीदी खुद ये कहेंगे अरे इनका कोई रिश्ता रसूल से है, और शायद वो मुझ पर जुल्म करने से किनारे हो जाए। करबला एक दर्द से वाकया, बहुत से हमको दर्द मिलते हैं करबला से। करबला खाली त्यौहार नहीं है, फकत मुहर्रम त्यौहार नहीं है, मुहर्रम सिर्फ हमारे लिए अश्के अज़ा बहाने का दिन है। जिस दिन इमाम हुसैन की शहादत हुई है, आसमानी मलाइका ने कहा अज़ा का फर्श बिछाओ, रसूल का नवासा शहीद हो गया। उसके बाद हुरों ने कहा काले लिबास पहनो, हुसैन शहीद हो गए। मामूली नहीं है हुसैन की शहादत, इस मजलिस में हम आकर बैठे, अगर आंसू ना आए ना तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इल्तिजा करें, इस्तगासा करें, मौला आपका तो नाम लेते ही आंसू आते थे, मसाए बोले में मेरे आंख में आंसू नहीं, कौन सा गुनाह है मौला मेरा, क्योंकि ये वो फर्श अदा है कि जब अगर इमाम की फर्श पर बैठते हैं तो सारे गुनाह अल्लाह माफ कर देता है, फिर वो कौन सा गुनाह है कि जिससे मेरे आंखों में आंसू नहीं आ रहा है। इन्हें इमाम से दुआ करें, ये फर्श अदा खुसूसन जब अली अकबर की मजलिस होती है तो कुछ हस्तियां जरूर आती हैं, वारिस जहरा भी होते हैं हमारी मजलिस। जिस वक्त अली अकबर के नाम की मजलिस होती उस वक्त जनाबे ज़ैनब कहती हैं अम्मा फिज़ा, अल्लाह जाने आज भी मेरी बीवी चादर में है या नहीं। बीवी कहती फिज़ा मेरी चादर का क्यों ज़ैनब, क्या हुसैन के अज़ादार आए हैं अकबर का फर्ज़ा लेने जा रहे हैं। जब वो बीवी आती है और अली अकबर के मसाइब होते हैं और लोगों के आंखों में आंसू जब नहीं आते हैं तो ज़ैनब रो के कहती काश तो अपने घर में होती और यहाँ ना आती मेरे अकबर।
बल्कि मसाया तेरी आंखें खुश हैं। जनाबे ज़ैनब जहां होती है वहां जनाबे फिज़ा होती है। और हमारा चौथा इमाम जिसने करबला देखी है, जब तक जिंदा रहे मेरा इमाम, इमाम के घर में मजलिस अदा होती थी, रोजाना मजलिस होती थी। यहाँ तक इमाम ने देखा घंटों औरतें बैठी रहती हैं, इमाम ने खाने का इंतजाम रख दिया ताकि खाने में औरतों को खाना पकाने में देर ना हो, और औरतें घर में खाना पकाने में मसरूफ होंगी तो अजाबें नहीं आएंगी। ज्यादा से ज्यादा इश्क अजा बहाने के लिए करबला के मसाए बयान हो, इसलिए खाने का इंतजाम होने लगा। आज हमको मेरे मौला ने चुना है, हम इस घर के अजा पर भी आते हैं, इश्क अजा भी बहाते हैं, हमको तबर्रुक भी मिलता है। वो इमाम का दस्तरखान था, आज इमाम ज़माना का दस्तरखान है, हम इस दस्तरखान पे जाना खाते हैं तो ये कह के ना खाए कि इसमें ये कमी, बल्कि ये कह के खाए मौला इस खाने में शिफा हो, हमारी जो रूहानी अपराध है वो दूर हो जाए, हमारे जो जिस्मानी अपराध है वो दूर हो जाए, हम बीमारों को शिफा मिले, हमारी अखलाकी बीमारियां दूर हो जाए। ये खुद अदा का फर्ज है। अली अकबर के मसाइब की तमहीद इतनी सख्त है कि इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो सोचे रसूल अल्लाह कैसे बर्दाश्त, जनाबे सैयदा कैसे बर्दाश्त करती थी, जनाबे ज़ैनब जिसने 18 बरस पाला हो अकबर को, अकबर की शहादत की जब खबर आई थी तो सबसे पहले जनाबे ज़ैनब दौड़ी थी। इमाम हुसैन जब पहुंचे हैं देखा बीबी, कहते ज़ैनब मेरी जिंदगी में जब वजह पूछी ज़ैनब तुम भाई की इजाजत के बगैर कैसे इजाजत लेती, मेरा भाई पूरा जवान अली अकबर, मैंने ये सोचा मेरा भैया अपने बेटे की लाश वो ज़ैनब है जिसने अली अकबर को पाला है मगर इस्लाम की राह में कुर्बान किया। शेख मेहदी, ये रिवायत शेख मेहदी जो करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे के खादिम थे, काफले आए हुए थे इमाम हिंदुस्तान पाकिस्तान के, उनमें से किसी ने कहा शेख मेहदी आज अली अकबर के मसाइल पर तो आज शबे आशूर है, आज रोले खूब दिल भर के रोले। शेख मेहदी ने मजलिस जो पढ़ी तो अली अकबर की, कहते ऐसी मजलिस थी कि सारे जायर रो के बेहोश हो गए। जब जायर रो के बेहोश हो गए, जब होश में आए अपने अपने घर चले गए, शेख मेहदी भी अपने घर आए सो गए। रात में ख्वाब में देखा रसगुल्ला है, ना पैरों में नालायन है, ना सर पे अमामा है, बहुत अजीब हाल में है। पीछे पीछे कोई बीबी है जिनकी कमर झुकी हुई है, आपकी आवाजें निकल रही हैं। शेख मेहदी समझ गए पीछे बतूल होगी, रसूल के पीछे बतूल ही हो सकती है। शेख मेहदी बड़े आगे सलाम करके कदम बोसी कर गए, रसूलल्लाह पीछे हट गए। शेख मेहदी कहते या रसूलल्लाह कोई गुस्ताखी हो गई, उससे कोई गुनाह हो गया। का कल तूने अकबर के मसाइल पढ़े थे? हाँ पढ़े थे। का ज्यादा पढ़ दिए? क्यों ना पढ़ूँ, मसाइल भी इतने हैं। का कम पढ़ रहे थे? का क्यों कम पढ़ूँ? का इसलिए शेख मेहदी मैं तुझसे कह रहा हूँ कम पढ़ने को, या रसूलल्लाह क्या कुछ गलत पढ़ा? का नहीं सही पढ़ा मगर बहुत पढ़ा। का क्यों ना पढ़ूँ? का इसलिए कि कल जब से तूने मसाइल पढ़े अकबर के, शाम में ज़ैनब बेहोश होती है, करबला में हुसैन बेहोश होता है, कल से आज तक कितनी मर्तबा मैं शाम गया हूँ, करबला आया हूँ, अकबर के मसाइल अकबर की
शहादत तो नहीं पढ़े, शहादत तो आप लोग सुनती हैं। अली अकबर का ये वो जख्म है कि ज़ैनब जिंदगी भर देगी। अली अकबर की शहादत अजीम शहादत है। किस तरह इजाजत मिली? इजाजत मिलने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहते, बाबा अभी इजाजत दे, मगर आशूर की सुबह एक हमारे लिए दर्स है। पहला दर्स जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दिया, देखो मैं इस्लाम बचाने आया हूँ करबला। जब सुबह की अजान हुई, अली अकबर को बुलाया, कहा बेटा मेरे नाना की आवाज में सुन लो, आज शायद आखिरी अजान हो, ये बता दिया आज सब शहीद हो। अली अकबर जाने अब कब तेरी आवाज सुनने में, आज सुबह की अजान अली अकबर सुन लो। आ गए मेहराब इबादत, तयम्मुम किया करबला की खाक से, जैसे ही कहा ना अल्लाह अकबर, जनाबे ज़ैनब कुरान पढ़ी थी, कुरान बंद किया, अली अकबर अल्लाह तेरी उम्र दराज करे। जनाबे ज़ैनब ने दुआ की है तो यकीनन अली अकबर की उम्र दराज कयामत तक के लिए अली अकबर का जिक्र होगा। जैसे ही कहा ना जनाबे ज़ैनब ने अपने भाई को बुलाया, भैया अली अकबर से कहो अजान जरा जोर से कहो, हम भी खुद सुन रहे खेमे में, अल्लाह जाने अब तक अली अकबर की अजान सुने। जैसे ही मौला ने अली अकबर से कहा, अली अकबर अजान जोर से कहना, खेमे में मेरी बहने सुन रही, आस्ते से अली अकबर कहते, बाबा कौन सुन रहा है, तब मेरी बहने बाबा कौन सुन रहा है, क्या अली अकबर कहाँ था मेरी बहने हाथ जोड़ के लोग के कहते, बाबा बाबा आप इमाम हैं, बाबा आप इमाम हैं, आप मौजिज नुमा हैं, बाबा आपकी बहने इंसाफ कीजिएगा, आपकी बहने करबला में मौजूद हैं, खेमों में मेरी अजान की आवाज सुन रही, बाबा मेरी भी एक बहन है जो मदीने में मेरे कदमों के निशान पर अपना रुखसारा रखकर मेरे आने का इंतजार कर रही है। बाबा अली अकबर अजान करबला में दे, मदीने में सोरा सुने, अली अकबर अजान दो, मदीने में सुगरा तुम्हारी अजान सुनेगी। जैसे ही अली अकबर ने कहा अल्लाह अकबर, सुगरा जो अपने भैया के निशान पर रुखसारा रखे हुए थी, आवाज अजान गई, जल्दी से उड़ बैठी, नानी मेरा अकबर करबला में अजान दे रहा है, आओ अजान सुनो, आखिरी अजान न हो। नानी कहती, सुगरा तूने ख्वाब देखा होगा। नहीं नानी, मैं हुसैन की बेटी हूँ, मेरा भैया अजान दे रहा है, आवाज अजान पर सुगरा चौंकी है, इधर जनाबे अली अकबर ने अजान दी, उधर सुगरा ने सुनी, मगर सुगरा को अली अकबर की शहादत की खबर न हुई। जब इजाजत मिल गई है इमाम हुसैन से तो लेकर आए खैमे में, कहते जब खैमे में लाए हैं तो किसी नबी का इमाम ने अबा पहनाई, किसी नबी की कबा पहनाई, किसी नबी की ज़िरा बांधी, किसी ना नबी का दस्तार बांधा। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने अमामा लिया, जैसे ही ज़ैनब ने अमामा लिया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते, ज़ैनब इसका हकदार मैं हूँ, ये मेरे नाना नबी का अमामा है। अमामा जैसे ही सर पर रखना चाहते हैं, कहते ज़ैनब तू खैमे से चली जा, तू नहीं देख सकती, अगर आप नवासे रसूल हैं, मैं अली की बेटी हूँ, अगर आप साबिर हैं, मैं भी साबिरा हूँ,
बांधिया मामा, कहते हमें लैला तो खेमे से चली जा, कहती वहाँ का अली अकबर को कुर्बान किया पर आप सलामत रहे, आप बांधिए मैं हमें लैला अली अकबर की माँ। जनाबे सकीना से कहा बाबा मैं आपकी बेटी हूँ, जब आप सब्र कर सकते हैं तो सकीना क्यों नहीं। एक मर्तबा इमाम ने बुलंद आवाज से क्रिया करके अली अकबर के सर पे अमामा बांधा, एक एक पेज बांधते हैं आंसुओं का क्रिया निकलता है। उस वक्त इमाम ने जब चौथा बल बांधा तो इमाम कहते मेरे शियों अल्लाह तुम्हारे जवानों को सलामत रखे। जब अल्लाह वो दिन लाए कि तुम अपने जवान के सर पर सहरा बांधो, तो सहरा बांधने के बाद बरासियों से कुछ देर की मोहलत लेना, अपने जवान को एक कमरे में ले जाना और कहना हुसैन आपके अली अकबर का सदका। हमें बहुत से ऐसे बीमार हैं जो लाइलाज मर्ज में मुब्तला है, अली अकबर के सदके में उन सबको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की परफेक्शन हमारी जिंदगी की आखिरी परफेक्शन हो, हम सबको दिल खोल के मजलिस करने की तौफीक परवरदिगार हमारी मजलिस माता मजादारी नासों के कलील नजराने को शुरू करो। तो करो दूर दूर हो जरा घर किसको जलाती है जमा।
आगे हो, थोड़ा खड़े हो, थोड़ा आगे हो जाओ। Bye.
सारे तेरी मां।